गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं हूँ अपने घर के पास। मेरा घर है और जहाँ जगह मैं रहता हूँ, जगह का नाम है क्रॉसिंग रिपब्लिक। एक टाउनशिप है, बहुत बड़ी सिटी है गाजियाबाद, उसकी जस्ट बॉर्डर में है ये एरिया क्रॉसिंग रिपब्लिक। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा एरिया है ये। तो आज इसका पूरा आपको दिखाऊंगा मैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो इसके अंदर ही अंदर अगर आप देखो तो 2-3 किलोमीटर की वॉकिंग है, उसके बाद एक न्यू फील्ड है हमारा, वहाँ तक वॉकिंग करके जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज भी ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक आज। ये देखिए, अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है, 5:45, 5:50 के आसपास है। ये हमारी पार्किंग है, सोसाइटी का गेट है। सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी का नाम है सैम रेजिडेंसी। तो आज इधर की तरफ जाएंगे तो मेन गेट पर पहुँचेंगे क्रॉसिंग रिपब्लिक के। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक का जो मेन गेट है, वहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। जैसे ये हमारी सोसाइटी का बोर्ड लगा है यहाँ पे, सैम रेजिडेंसी। जैसे उसके सामने एक सोसाइटी और पड़ती है, स्काईटेक मैरून। टीज वाला हाई राइज बिल्डिंग्स है, 14th floor, 13th floor, 19th floor, 18th floor देख सकते हैं आप। और बहुत प्यारा डेवलप कर रखा है, अगल बगल ग्रीनरी है। बट थोड़ा इन सिटीज़ में पॉल्यूशन, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो पॉल्यूशन तो होना ही होना है। चलिए पहुँचते हैं, धीरे धीरे आगे दिखाते रहेंगे आपको। एक एंट्री यहाँ से भी है क्रॉसिंग रिपब्लिक की, बट मेन एंट्री है आगे। फेस्टिवल निकलने की तैयारी में है। ये देखिए, ये है मेन एंट्री यहाँ से। इतना बड़ा गेट बना रखा है इन्होंने, पुरानी सोसाइटी सारी ये है। एंट्री कर ली है, सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे हमेशा रात को। गाजियाबाद का सबसे सेफ और सिक्योर इलाका लगता है मुझे क्रॉसिंग रिपब्लिक। हर सोसाइटी के बाहर अपने 2-3 गार्ड दे सकते हैं, तो विदाउट एंट्री कोई एंट्री नहीं कर सकता है। तो रजिस्टर में एंट्री हुई तब तो आपको परमिशन मिलेगी अंदर जाने की। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा गेट से कि भैया ये गेस्ट आया है, तो आप अप्रूव करोगे तो उसकी एंट्री होगी। इन सिटीज में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आप फैमिली के साथ रहते हो तो आप चाहते हो कि हमेशा सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो मैं तो प्रेफर करूँगा, ये जगह बहुत सुंदर है और इसको बनाया भी बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा। हगुन मैजेस्टिक, यहाँ पे आपका सुपरटेक का प्रोजेक्ट है सिंपनी। सोसाइटियाँ बढ़िया, अपना स्विमिंग पूल बना है, बच्चों का पार्क बना हुआ है। और ग्रीनरी तो बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मतलब आपको लगेगा कि बस आप एक तो सोसाइटी पेड़ों से ढक दीजिए। यह आ गया है गोल चक्कर क्रॉसिंग का। मैं गोल चक्कर से इधर जा रहा हूँ इस साइड, यहाँ से बच्चों का जहाँ स्कूल है वो भी इसके अंदर पड़ता है, क्रॉसिंग के अंदर। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर वहाँ जा रहा हूँ, 100 किलोमीटर के आसपास। ये देखिए, पूरा गोल्फ कोर्स का एरिया है। लोग आते भी हैं गोल्फ खेलने, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करके अपना अच्छा एक्सरसाइज यहाँ पर की जाती है। तो फैसिलिटी सारी हैं इस जगह पर, अगर आप करना चाहें तो इजीली आप अपनी फिट रख सकते हैं अपने आप को। पूरा गोल्फ का ही एरिया है, एक मिनी गोल भी बना हुआ था बट मेंटेन नहीं कर रखा अभी, क्योंकि है स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। 22-22, 23-23 फ्लोर की बिल्डिंग है। ओह, इन्हीं मार्केट भी है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते चलते एक फ्रेंड का कॉल आ गया कि भाई कहाँ हो मॉर्निंग से। तो मैंने कहा बहुत लंबी घुमाई हो गई है, अब तो मैं पूरा एक राउंड लेकर के 3-3.5 किलोमीटर की वॉकिंग हो गई है और पहुंचने वाला हूं मैं अपने बच्चों के स्कूल जहां वो पढ़ाई करते हैं। और हमारे मित्र लोग गाड़ी लेके आने वाले हैं। अब देखिए कहां पे मिलते हैं हमें, वहीं से पिक करेंगे, नए वाले फील्ड में जाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे वहीं पे। अब बहुत बढ़िया स्कूल भी है यहां पे, ये पहला गुरुकुल स्कूल है। यह दूसरा स्कूल इंदिरापुरम, जस्ट इंदिरापुरम के बगल में है सफायर स्कूल। ये पहुँच गए हैं हम बच्चों के स्कूल, स्कूल का नाम है सफायर इंटरनेशनल स्कूल। एक स्मार्ट सा बेटा है मेरा,
और एक प्यारी सी बिटिया है, एक प्यारा सा भतीजा है, भतीजी और एक छोटी सी टिंकू। फिलहाल तो अभी चार बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो चारों यहीं आते हैं। देखिए टिंकू कब से आती है स्कूल, आ जाएगी नेक्स्ट दो चार महीने में, उसको भी प्ले स्कूल में डाल देंगे हम लोग। स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करके अब मैं सोच रहा हूँ नए फील्ड की तरफ जाऊँ, पर यहाँ से न्यू फील्ड होगा अप्रॉक्स 4 किलोमीटर के आसपास, 3.5 किलोमीटर के आसपास होगा। लेकिन रास्ते में देखो कहाँ मेरे फ्रेंड मुझे पिक करते हैं, वो आने वाले हैं इसी क्रॉसिंग से ही, और देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच जाता हूँ उनके आने से पहले। यहाँ गाँव में पहुँचे हैं, इस गाँव का नाम है रिच पालगढ़ी। इसको पूरा क्रॉस करने के बाद हम गौड़ सिटी पहुँच जाएंगे। ये बैक रास्ता है, शॉर्ट रास्ता है। तो क्रॉसिंग रिपब्लिक से बाहर आकर के मैं पहुँच गया हूँ गौड़ सिटी की तरफ। गौड़ सिटी सेंसर में ही ग्रेटर नोएडा, ये है भैया ग्रेटर नोएडा का एरिया, यहीं से शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर की। ये सेक्टर 3, 2, 4 है। ये पूरा बहुत बड़ी सिटी है यार, ये इतना बड़ा बना दिया है, ये तो बहुत भर गया है। तो यहाँ ये देखिए पूरा बहुत बड़ी सिटी है, ये ग्रेटर नोएडा का एरिया है। तो आज मैं गाजियाबाद से निकल के क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद से निकलते निकलते ग्रेटर नोएडा पहुँच गए चलते चलते, और अभी बहुत बचा है भाई, 1.5 किलोमीटर है अभी, इतना आसान नहीं है, कंटिन्यू करते रहनी पड़ती है। बाकी भाई पहुँचते पहुँचते अब पहुँचे हमारे मित्र लोग और यहाँ पहुँच गए हैं। ये आ गए हमारे 2-3 मित्र और, ये द्विवेदी भाई की गाड़ी है, ये हमारे मिलन जी की गाड़ी है। तो ऐसी अब धीरे धीरे फील्ड का निरीक्षण करेंगे हम लोग। तो दोस्तों बहुत वॉकिंग हो गई थी आज, कम से कम 7 किलोमीटर के आसपास मान सकता हूँ मैं, 7 to 8 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ, तो हमारे मित्र ने हमें पिकअप कर लिया, तो फील्ड पहुँच गए हैं। सब फील्ड को देख बस दो मेंबर और आए हैं हमारे मिलन भाई द्विवेदी भाई। वाह भैया फील्ड में ज़्यादा लोग हैं, लापरवाह लड़का आया ही नहीं आज, तो आज हम सो रहे खुद ही पूरे फील्ड में पानी फैला देते हैं। उधर ले जा, मधुकर भाई कैसा लग रहा है? अच्छा क्या क्या उम्मीद कर रहे हो, कब तक घास हो जाएगी, ग्राउंड कब तक तैयार हो जाएगा? 2 हफ्ता। अच्छा कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन थोड़े ही कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन थोड़े ही कर रहे हैं, अब नहीं हो पाएगा। मशीन लगा दी आप,